आसान है। हाँ आसान है, आसान है ये कहना कि इसका वक्त जा चुका है, आसान है ये कहना कि अब वो वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, आसान है ये कहना कि अब इसके बस की बात नहीं है, आसान है ये कहना कि इसका पेट निकला हुआ है, आसान है ये कहना कि ये टीम पे बोझ बन गया है, और आसान है ये कहना कि ये बस डिजर्विंग लोगों की चकों मार रहा है। लेकिन पता है आसान क्या नहीं था? आसान नहीं था उसकी जगह पे होना जो ये सब सुन रहा था, आसान नहीं था उसकी जगह पे होना जो ये सब सह रहा था, आसान नहीं था उस वक्त से गुजरना कि जब आपको लोगों का सबसे ज्यादा साथ चाहिए हो और लोग आपका साथ छोड़ दें, आसान नहीं था उस वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद एक कोने में बैठ के अकेले रोना, आसान नहीं था खुद की फिटनेस पे ताने सुनना, और आसान नहीं था टीम के बोझ होने का टैग लेना। कोई और होता तो टूट जाता, कोई और होता तो गिर जाता, कोई और होता तो घबरा जाता, कोई और होता तो खत्म हो जाता। लेकिन असल सत्य ये है कि मुझे नहीं पता कि क्या आसान है या क्या आसान नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि आसान नहीं है रोहित शर्मा बनना। थोड़ी सी कड़वी बात कहूंगा, सुनने की हिम्मत हो तो बहुत बढ़िया, और अगर ना हो तब तो और भी ज्यादा बढ़िया। देखिए, हम अक्सर कहते तो हैं कि बड़ा खिलाड़ी हमेशा कमबैक करता है, बड़ा खिलाड़ी हमेशा फाइट बैक करता है, लेकिन सत्य यह है कि 95% बड़े खिलाड़ी भी अपने बुरे दौर से वापसी नहीं कर पाते। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि फॉर्म इज टेंपरेरी, क्लास इज परमानेंट। देखो, जब बुरा वक्त आता है ना तो क्लास से लेके फॉर्म तक सब टेंपरेरी हो ही जाता है। परमानेंट दुनिया में सिर्फ एक चीज रहती है, वो है उस इंसान की लेगेसी। और जहां तक बात रही कमबैक की, तो क्या युवराज सिंह से लेके वीरेंद्र सहवाग से लेके गौतम गंभीर से लेके हरभजन सिंह तक, ये सब क्या बड़े प्लेयर नहीं थे? पर कोई माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है कि एक बार जब इनका बुरा वक्त आया तो वापस ये अपने उस टच और फॉर्म को नहीं पा पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे, जिसके लिए वो पहचाने जाते थे। और यही रीजन है कि इनके करियर का अंत कुछ वैसा हुआ जैसा ना वो चाहते थे ना उनके फैंस चाहते थे। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब कई लोग इस डिसअपॉइंटिंग तरीके से एंड होने वाले करियर की लिस्ट में एक और नाम जोड़ने के लिए एकदम रेडी बैठे थे, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि सालों से चल रहे द हिटमैन शो का अंत अब नजदीक आ चुका है। लोगों ने मान लिया था कि भले ही शेर काफी खूंखार था, पर ये शेर अब बूढ़ा हो चुका है और वक्त के साथ अपनी तेजी और ताकत दोनों खो चुका है। लेकिन वो भूल गए थे कि द हिटमैन शो उन शोज में से एक है जो कभी बंद नहीं होते। हाँ, कई बार कुछ वक्त का ब्रेक जरूर लेते हैं, पर वो ब्रेक जब आता है तो उसके बाद उसका एक खतरनाक सीक्वल भी आता है। हिटमैन शो उन शोज में से है जिसके डायरेक्टर भी खुद रोहित शर्मा ही हैं, और एज अ डायरेक्टर वो खुद डिसाइड करेगा कि उसके शो का पर्दा कब डाउन होगा। वो लोग ना समझ हैं जिन्हें लगता है कि रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर है। भाई, रोहित शर्मा ना अपने आप में एक एरा है, अपने आप में एक जनरेशन है। वो मुझे याद है कि महीने दो महीने पुरानी बात होगी, जब एक न्यूज चैनल पे बैठ के एक पत्रकार ये कह रहा था कि रोहित शर्मा भगौड़ा है, डर के भाग गया है, उसे पेसर्स से डर लगने लगा है। कहां है तेरा रोहित शर्मा भाई? भगौड़ा ही है, खेलना नहीं चाह रहा है, सिद्धू की तरह हो गया है, आप फेस ही नहीं करना चाह रहा है, रबाडा को है हिम्मत तो आए खेले। मतलब अगर जीवन में आपको ये देखना हो कि कोई इंसान कितना मूर्ख होता है तो इस क्लिप को फिर से देख लेना। अगर जीवन में ये सीख लेनी हो कि बुरे दौर में कैसे लोग आपके सारे पुराने कर्मों पे मिट्टी डाल देते हैं तो फिर से ये क्लिप देख लेना। नहीं, इसने क्या बोला, डर लगता है किसे? रोहित शर्मा को। कौन भगोड़ा है? रोहित शर्मा। भाई, दुनिया जब अपने सिंगल्स को डबल्स में बदला करती थी ना, उस जमाने में रोहित शर्मा सेंचुरीज को डबल सेंचुरीज में बदल रहा होता था। जब दुनिया नेट्स पे क्लास और टाइमिंग बैठाने में लगी थी, तब रोहित शर्मा उन्हीं नेट्स पे अपने बल्ले से बॉलों को फाड़ रहा होता था। जब दुनिया गैप से चौके ढूंढने में लगी थी, वो छक्कों के रिकॉर्ड्स तोड़ने में लगा होता था। कुछ महीने खराब क्या चले गए? जो खिलाड़ी दुनिया के बड़े बड़े पेसर्स की रातों की नींद खा जाता था,
उसके लिए कल के आए अज्ञानी कह रहे हैं कि रोहित पेसर से डरता है। असल सच तो ये है कि जिस विराट कोहली को दुनिया किंग ऑफ क्रिकेट कहती है, जब उस किंग के साथ खुद रोहित शर्मा खेलता था तो खुद क्रिकेट का राजा भी दूसरे एंड पे खड़ा उसका एक सिपाही बन जाता था। क्योंकि कोहली को भी पता था कि जब तक पिच पे रोहित शर्मा है तो इस समय इस कहानी का मुख्य किरदार भी रोहित शर्मा ही रहेगा। और मेरा उन लोगों से बड़ा ही छोटा सा सवाल है जो रोहित शर्मा को टीम पे बोझ बताते रहे हैं, कि जिन सीरीज में रोहित शर्मा एज एन ओपनर नहीं भी गए, उन सीरीज में इंडियन टीम ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया। जाके एक बार स्टैट्स को उठा के देखिए, जिन जिन सीरीज में रोहित शर्मा एज एन ओपनर नहीं खेले, उन सीरीज में ओपनिंग स्टैंड इतना बेकार गया जितना रोहित के बेकार फॉर्म में रहते नहीं गया। जब से रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से दूर हैं, आप तब से हाल ही में हुई सारी T20 सीरीज को उठा के देख लीजिए, कितने मैचेस में आपको एक जबरदस्त ओपनिंग स्टैंड देखने को मिल गया? जवाब है एक भी नहीं। और सेम टाइम पे आप ओडीआई को उठा के देखिए और दोनों के ओपनिंग स्टैंड के सक्सेस रेट को कंपेयर करिए, आपको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। चलिए अच्छा ओडीआई और T20 को भी भूल जाइए, हम क्रिकेट के सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट टेस्ट की बात कर लेते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी प्लेयर कितने फॉर्म में है, अगर ये देखना है तो उसे टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग करा के देख लो। तो रोहित शर्मा को बोझ कहने वालों को मैं ये बता दूं कि पिछले 6 सालों में खेले गए सारे टेस्ट मैचेस को देखें तो जब जब ओपनिंग में रोहित शर्मा नहीं रहे हैं तो ओपनिंग पार्टनरशिप्स की एवरेज 29 की रही है। और वहीं पे जिन मैचेस में रोहित शर्मा एज एन ओपनर खेले हैं वहां ओपनिंग पार्टनरशिप्स की एवरेज 49 की रही है। अगर इसे बोझ होना कहते हैं तो आज ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी टीम का हर खिलाड़ी हमारी टीम पर बोझ बन जाए। और उससे भी बड़ा काला सच ये सुनो कि जिस रोहित शर्मा के लिए कोहली की तरह ये कहा जाता गया कि 2019 से वो भी आउट ऑफ टच है, 2019 से ये भी सेंचुरी नहीं लगा रहा है, तो मैं बता दूं कि ओडीआई में 2019 में रोहित शर्मा की एवरेज थी 58 की, 2020 में 57 की, 2021 में 30 की, जहां कोविड के चलते पूरे साल बस 3 मैच खेले गए, 2022 में 41 की और 2023 में 58 की। बात करें टेस्ट की तो 2019 में रोहित की एवरेज थी 93 की, 2020, 2021 और 2022 में मिला के 48 की और 2023 में तो फिलहाल के लिए 120 की चल रही है। दो पल के लिए अगर T20 की भी बात कर लें तो 2019 में एवरेज 29 की, 2020 में 47 की, 2021 में 39 की और 2022 में 24 की। यहां भी सिर्फ साल 2022 है जहां रोहित का वक्त नीचे रहा, वरना तीनों ही फॉर्मेट में एक भी साल ऐसा नहीं रहा जहां रोहित का बल्ला ना बोला हो। मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर इस परफॉर्मेंस को आउट ऑफ फॉर्म होना कहते हैं तो भगवान इंडिया के हर प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म ही रखे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी टीम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएगी और हमारा देश धन्य हो जाएगा। एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो मैं जानता हूं कि ये जितने भी लोग रोहित को उल्टा सीधा बोल रहे थे या बोल रहे हैं, ये खुद भी जानते हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ी जब इनसे ये सवाल करेगी कि वो कौन बैट्समैन था जिसने क्रिकेट में हिटिंग की परिभाषा बदल दी, वो कौन था जिसने ओडीआई में दोहरे शतक मारना मजाक बना दिया, वो कौन था जो टूटे अंगूठे को लेके भी हारे हुए मैच को जीत के करीब ले गया था, वो कौन था जिसके लिए छक्के मारना चौके मारने से भी ज्यादा आसान था, वो कौन था जिसके सिर्फ होने से स्कोर कार्ड देख के पता चल जाता था कि आज वो खेल रहा है, इन सभी सवालों के जवाब वो भी अपने बच्चों को बस एक ही लाइन में देंगे कि बेटा वो था द हिटमैन रोहित शर्मा। क्योंकि अगर कभी भी क्रिकेट पे किताब लिखी जाएगी तो भले ही उसका ओपनिंग चैप्टर सचिन तेंदुलकर पे होगा, भले ही उसका मिडल चैप्टर किंग कोहली पे होगा या भले ही उसका फिनिशिंग चैप्टर MS धोनी पे होगा, लेकिन उसी किताब में पता नहीं कहां पर, लेकिन एक चैप्टर द हिटमैन ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जरूर होगा जिसे पढ़ के सालों तक दुनिया ये सीखती रहेगी।
लगेगी कि क्रिकेट पे डोमिनेट तो कई लोगों ने किया, लेकिन जिसने बीच मैदान अकेले दम पे बड़े बड़े बॉलरों को मात्र गली क्रिकेट का चिंटू बना के रख दिया, वो एक ही था, रोहित शर्मा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके हिसाब से अगर कभी भी इंडियन क्रिकेट पे बुक लिखी गई तो रोहित शर्मा पे लिखे गए चैप्टर का टाइटल क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने जानने वालों को प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।